हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड हम कंटिन्यू करते हैं। तो डिस्कस कर रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बेसिस, राइट? व्हाट आर बेसिस? बेसिस आर दोज केमिकल्स व्हिच हैव बिटर टेस्ट, दोज केमिकल्स व्हिच हैव बीटर टेस्ट, राइट? एक्चुअली बेसिस कंटेन्स OH आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस, राइट? जस्ट लाइक हमने डिस्कस किया था कि एसिड्स में क्या कॉमन होता है, H+ आयन कॉमन होते हैं। बेसिस में क्या कॉमन होता है? OH आयन कॉमन होते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल आता है बेसिस का, क्या आता है? मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स में क्या आ जाते हैं? जैसे कि Na2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पर क्या आ गया? जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड में सोडियम ऑक्साइड था, यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, राइट? मेटल ऑक्साइड्स में OH आयन नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, राइट? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेसिस की, ओके? देन एक टर्म आती है एल्कली। व्हाट इज एल्कली? राइट, वो बेसिस जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ठीक है, वो बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? हम एल्कलीज कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल आ जाता है NaOH, KOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में घुल जाते हैं, उनका सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एल्कलीज कहलाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बेसिस और एल्कलीज में। ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, ओके? नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सभी बेसिस में क्या कॉमन आता है जब हम बेसिस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं? व्हेन बेसिस आर डिसॉल्व इन वाटर, व्हिच बेसिस एल्कलीज बेसिकली, दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। जस्ट लाइक NaOH था, हमने एक्वस मीन वाटर में डिसॉल्व किया, क्या प्रोड्यूस करने वाला है? Na+ और OH-। ठीक है, दोनों ही एक्वस रहने वाले हैं। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था KOH, इसको भी वाटर में डिसॉल्व किया, तो क्या बनने वाला है? यहां पर भी पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनने वाला है। फिर फर्दर जैसे और भी बेसिस हैं जिनका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूस Mg2+ आयन एक्वस प्लस 2OH- आयन एक्वस, राइट? तो ऑल बेसिस आर प्रोड्यूसिंग, मींस ऑल एल्कलीज आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्साइड आयन। तो ऑल बेसिस कंटेन्स हाइड्रोक्साइड आयन इन कॉमन, वी कैन से दिस। नेक्स्ट जो बेसिस हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे एसिड्स है ना, टू टाइप्स, तो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस, एक होते हैं वीक बेसिस। वाटर में डिसॉल्व करने पर अगर स्ट्रॉन्गली आयनाइज होते हैं,
या कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, क्या कंप्लीटली आयनाइज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं ये, और ये क्या होते हैं पार्शियली आयनाइज होते हैं। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर ठीक है पार्शियली आयनाइज होते हैं, ठीक है, जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है और ये कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, जैसे NaOH है, KOH है, ये क्या होगा जब इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो 100% आयनाइजेशन हो जाएगा, Na प्लस और OH माइनस आयन में, कितना 100%। लेकिन आगे इधर क्या आ गए, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है पार्शियली आयनाइज होते हैं। जब जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, सॉरी एक्वस सॉल्यूशन है वो NH4 अमोनियम आयन बनाता है, एक्वस प्लस OH माइनस आयन एक्वस, ठीक है, ये इस तरह से आयनाइजेशन होता है इसका। मींस सपोज कितना परसेंट आयनाइजेशन हुआ, 60%, 60% आयनाइजेशन हुआ, ठीक, तो आयनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, 60% या 40% आयनाइजेशन हुआ, तो ये 40% तो अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन बन गए और 60% ये बचा रह जाएगा, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी रहेगा सॉल्यूशन में, NH4 आयन भी रहेंगे, अमोनियम आयन भी रहेंगे और हाइड्रोक्साइड आयन भी रहने वाले हैं, तो यहाँ कंप्लीटली आयनाइजेशन नहीं हो रहा है। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम का हम साइन लगाते हैं कि इक्विलिब्रियम चलता है इनके बीच में, कि जो NH4OH आयन मिल करके बना रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब ब्रेक होकर के, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों कंबाइन करके वापस से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, इस तरह का इक्विलिब्रियम यहाँ पर सेटअप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या स्टडी किया था, वीकर डेज, कड़वा होता है, बेसिस होते हैं वो कड़वे होते हैं, बिटर टेस्ट होता है। सेकेंड क्या होता है, सॉपी, सॉपी टू टच, टच करने पर कैसे सॉप साबुन जैसे लगते हैं, ठीक है, चिकने होते हैं टच करने पर। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी आती है क्या, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। अगर हमने एक बेस लिया या एल्कली लिया, उसमें हमने क्या किया, रेड लिटमस पेपर जो होता है उसको डिप किया, तो रेड लिटमस पेपर कैसा ब्लू कलर का चेंज हो जाएगा, तो क्या है चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को कैसा ब्लू कलर का कर देते हैं। नेक्स्ट बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स, मीनिंग क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कि क्या मीनिंग है इसका, जब बेसिस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो आयनाइजेशन हो जाएगा, जैसे NaOH है, वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या हो गया, Na प्लस आयन और OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो गया एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये आयन्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे, तो इसलिए बेसिस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, बिकॉज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब जो बेसिस होते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेसिस प्लस सम मेटल्स, सारे मेटल्स ये रिएक्शन नहीं करते हैं, तो क्या बनता है यहां पर, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो कुछ मेटल्स के साथ ही बेसिस रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमने NaOH लिया और इसकी रिएक्शन कराई जिंक से, ठीक है, एक्वस सॉलिड, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, कौन सा सॉल्ट बनेगा, Na2ZnO2, राइट, टू मोल लेना पड़ेगा ये मॉलिक्यूल, प्लस साथ में H2 गैस प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है,
ये भी एक्वा सॉल्यूशन रहने वाला है, राइट right? क्या अपना सॉल्ट का नाम होता है? सोडियम जिंकेट। तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। कैसे हम चेक कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन जो है? तो जैसे हमने लास्ट एसिड स्टडी किए थे, एसिड में हमने देखा था ना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी, उसको कैसे हमने चेक किया था हाइड्रोजन गैस को? हमने उसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में पास किया था, सॉफ्ट सॉल्यूशन में बबल्स बने थे हाइड्रोजन गैस के, वहां बर्निंग कैंडल लेके गए थे, तो क्या हुआ था? पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट सिमिलर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जिंक ग्रेन्यूल लिए सॉलिड, और उसमें जैसे हम एनएच डालेंगे तो गैस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, और उसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में हम पास कर देंगे। ठीक है, इस तरह से करके एक्सपेरिमेंट भी सेटअप कर सकते हैं हम। ओके, नाउ सिक्स प्रॉपर्टी आती है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जो हमने ऑलरेडी एसिड्स में पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन, इसमें क्या रहता है? बेसिस रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कि हमने देखा था लास्ट रिएक्शन, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एसिड लाइक HCl टू प्रोड्यूस सॉल्ट NaCl। एक्वस प्लस वाटर लिक्विड, राइट? तो दिस इज द रिएक्शन, हाउ रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस न्यूट्रलाइज ईच अदर, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हमने एसिड ले लिया, कितना पीएच था? 10 था या 12 था, और एसिड ले लिया, सपोज ये 12 पीएच था, और इसका पीएच कितना था? सपोज 1 पीएच था। दोनों को मिक्स कर दिया, जो फाइनल सॉल्यूशन बना इसका पीएच कितना आ गया? इसका पीएच आ जाएगा 7। न्यूट्रलाइजेशन हो गया, दूसरे का ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी बची फाइनल सॉल्यूशन में, ना बेसिक प्रॉपर्टी बची। ठीक है, एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया, इक्वल अमाउंट लेना पड़ेगा बस दोनों का। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, तो बेसिस हैं ये नॉन मेटल ऑक्साइड से भी रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन में एग्जांपल ऑलरेडी देखा हुआ है, जैसे एक बेस लिया था हमने, जब व्हाइट वॉशिंग के लिए मैंने नहीं बताया था आपको कि क्या लाइम वाटर लिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, क्या ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? ओके, अब इसके साथ में हमने क्या किया था? नॉन मेटल कार्बन है जैसे, और इसका ऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। गैस में जब हमने पास किया था तो क्या बना था वहां पर? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, राइट? तो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन गया? सॉल्ट बन गया प्लस वाटर। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके जो बेसिस है वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बेसिस की प्रॉपर्टी। तो बेसिस टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पीएच स्केल। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज पीएच स्केल। तो पीएच स्केल को जो सबसे पहले डिवाइस किया था वो 1909 में किसने किया था? सोरेनसन ने। क्या बताया था इन्होंने? इन्होंने बताया था कि हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस। ओके, वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस H+ आयन के बेस पर। ठीक
ठीक है, उसी को ही क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। तो इन्होंने जो पीएच स्केल डिफाइन किया वो कहां से था, इस तरह से पीएच स्केल था, 0 0 फिर 7 से लेके 14 तक, राइट, 0 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अगर पीएच 7 से कम है, पीएच क्या है, 7 से कम है, तो उसको क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं, राइट। अगर पीएच जो है 7 से ज्यादा है तो क्या कहलाते हैं, बेसिस। अगर 7 पीएच है तो दैट इज न्यूट्रल, क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल कहलाते हैं। जैसे एसिड्स में क्या जाएगा, 7 से पीएच किसकी आएगी, HCl सॉल्यूशन की, HNO3 नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और जो भी एसिड्स हैं, ठीक है, या फिर जितने भी हमारे जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, सिट्रिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड। और बेसिस में क्या आ गया, जैसे NaOH, KOH, इनकी पीएच क्या आएगी, 7 से ज्यादा आने वाली है। तो एक्चुअल में अब क्या है, एक्चुअल में पीएच मीटर बहुत एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पीएच मीटर, उसमें कुछ नहीं करना होता, जो भी आपका सॉल्यूशन है, एक बीकर में लेंगे आप, वहां पर इलेक्ट्रोड लगा रहता है, उसमें इलेक्ट्रोड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रोड को खाली हमें उस सॉल्यूशन में डिप करना है। सॉल्यूशन में डिप करने के बाद में वो पीएच मीटर सीधा डिजिटल होता है, सीधा रीडिंग बता देगा, 7.12, 7.85 या 1.23, जो भी पीएच आएगा उस सॉल्यूशन का, तो वो पीएच आसानी से बता देता है सीधा, हमें कोई इंडिकेटर या किसी की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम आसानी से पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सपोज जैसे हमने देखा था पीएच स्ट्रिप थी, उससे अप्रोक्स में आइडिया लगता है, इंडिकेटर्स अप्रोक्सीमेटली आइडिया दे रहे हैं एसिड्स और बेसिस का, एग्जैक्ट पीएच नहीं बता रहे हैं, लेकिन पीएच मीटर क्या है, वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग देता है, एग्जैक्ट बताता है। अब कुछ सॉल्यूशन माना आपके पास में दे रहा है, सो मैनी सॉल्यूशंस, लाइक 10-20 सॉल्यूशंस से आपको उसका पीएच बताना है, एसिड्स हैं बेसिस हैं, तो नॉर्मल मेथड से हमारा बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन पीएच मीटर से टाइम नहीं लगेगा, एक सैंपल विद इन 1 मिनट आप खाली, आपको उतना टाइम लगेगा जितना कि उसका इलेक्ट्रोड आप सॉल्यूशन में डिप करेंगे, तो आपको पीएच मीटर सीधा रीडिंग बता देगा कि 20 सॉल्यूशन थे जैसे, तो आपको 10 से 15 मिनट में सारे सॉल्यूशन का पीएच पता चल जाएगा। तो पीएच मीटर यूज किया जाता है पीएच फाइंड करने के लिए, ठीक है, आसानी से पीएच हम फाइंड कर सकते हैं पीएच मीटर का यूज करके। पीएच का एक फॉर्मूला होता है, वैसे वो फॉर्मूला आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, अभी आपको लॉग वगैरह 10th क्लास तक नहीं है। क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन, कैसे कहते हैं, निगेटिव, पीएच इज निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है, जन्म मैंने बता दिया है, अभी 10th क्लास के कोर्स में नहीं है फॉर्मूला, ठीक है, फिर भी आप देख सकते हैं। अब पीएच के बेस पर जो सॉल्यूशंस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे क्या आ गया 1 नंबर पर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जब पीएच कितना होगा, 0, 1, 2, 3 पीएच होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे, ठीक है। दूसरा वीक एसिड्स क्या रहने वाले हैं, जिनका पीएच 4, 5, 6 रहने वाला है। फिर थर्ड नंबर पर न्यूट्रल, तो हमने डिस्कस किया ही है, न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या रहेगा, जिनका जो पीएच है वो कितना रहेगा, 7 रहेगा। फिर फोर कैटेगरी आती है क्या, वीक बेसिस, ठीक है, और फिफ्थ कैटेगरी आती है क्या, स्ट्रॉन्ग बेसिस, यानी 7 से ज्यादा पीएच है तो क्या होने वाले हैं, बेसिस होने। तो जो पीएच अगर कितना रहने वाला है, 8, 9, 10, तो वीक बेसिस होंगे, ओके। और अगर पीएच क्या आएगा, 11, 12, 13, 14 आएगा, तो क्या हो, कैटेगरी कहलाएंगी, स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाएंगे। इन सबके एग्जाम्पल्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वीक बेसिस में क्या आने वाला है और स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या आने वाला है, तो इस तरह से करके पीएच स्केल कंप्लीट हो जाता है। तो आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में इतना ही हम डिस्कस करेंगे, और आप अच्छे से रिवाइज करें जो भी हमने डिस्कस किया है, बुक्स को स्टडी करें अच्छे से, टाइम दें प्रॉपरली स्टडी के लिए, ठीक है, टाइम टेबल से हमें स्टडी करना चाहिए हमेशा।
डेली स्टडी कीजिए, और ये नहीं कि वन डे तो आपने ज्यादा स्टडी कर लिया कि आज तो मैंने कितना पूरा नाइट स्टडी किया, मीन्स आज मैंने 8 घंटे रात को, और फिर अगले 5 दिन पढ़ा नहीं, तो फिर वो सब बेकार, सब जीरो हो जाता है। इसलिए डेली अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करें। विदाउट टाइम टेबल तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। अच्छी परसेंटेज लानी है आपको, 90% अबव लाने का है, तो डेली आप टाइम टेबल से स्टडी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।